हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और खुशियां बांट रहे होंगे। वेलकम टू माय किचन कुकिंग विद रिफत। तो जी आज मैं बना रही हूँ अरबी और हम ये बनाएंगे लेफ्ट ओवर चिकन के साथ। हमारे पास मैंने जो आपको परसों रेसिपी दी थी ना चिकन की, वो वाला चिकन पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आज उसको किस तरह से यूज़ में लाया जाए। वो मतलब बच गया था, जो भी लेफ्ट ओवर सालन होता है ना उसको बच्चे खाते नहीं हैं, तो उसको फिर हम इस तरह से थोड़ा सा किसी और सालन के साथ मिक्स करके बना लेते हैं ताकि बच्चे उसे खा सकें। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने लिए थे 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज और उनको मैंने कर लिया है शैलो फ्राई। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, लाइट सा कलर हम इसका करेंगे प्याज़ों का। आपको पहले भी मैंने रीज़न बताया था, प्याज़ों को तब हम ज़्यादा डार्क करते हैं जब हम कोरमा वगैरह बनाते हैं, उसके लिए हम प्याज़ों को ज़्यादा डार्क करते हैं। अदरवाइज़ इसको ज़्यादा कलर नहीं देना चाहिए, इससे बाकी जो खाने होते हैं ना उनमें फिर कड़वाहट आ जाती है। अच्छा जी, अब इसको सारा मैं अरबी को कर लूँगी पील ऑफ और इसको पानी के अंदर भिगो लूँगी। तो ये जी देखिए, हमारे प्याज़ों का जो है ना कलर बस लाइट सा चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 ग्लास पानी ऐड करना है। ये देखिए, इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी, उसको अब हम गलने के लिए रख देंगे प्याज़ों को। बिल्कुल इसको हमने अच्छा सा गलाना है। जब तक कि प्याज गलते हैं तो फिर मैं अरबी को पील ऑफ करूँगी, और अरबी को पील ऑफ करने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने जो है पानी लेना है और उसके अंदर इसको भिगो के काट के भिगोते जाना है, ठीक है। और ये एक टमाटर अब मैंने डाल दिया इसके अंदर, प्याज हो गए थे बिल्कुल, इनका पानी खुश्क हो गया था और प्याज अच्छी तरह से गल गए थे। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है एक टमाटर, और अब मैं इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून घी के ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बस फिर ये देखिए जी, मैंने अरबी को कर लिया था पील ऑफ और इसको मैंने नमक डाल के ना पानी में भिगो दिया था। अब हमने क्या करना है, एक इस तरह से जग लेना है और उसके अंदर हमने ये मधानी लेके ना इस तरह की, आपने इसको इस तरह से इसमें फेंटना है इसको। तो जितनी भी अरवी की वो जो होती है ना जेल लेस सी होती है उसकी, वो निकल जाएगी, पानी के अंदर आ जाएगी, अरवी में से अच्छी तरह से निकल जाएगी। और इसको मैं 2-3 बार इस तरह से कर लूँगी और इसका पानी फेंक देंगे हम, और फिर इसमें नया पानी डालेंगे और फिर हम इसको दोबारा से करेंगे। और उसके बाद क्या करना है कि जो अरवी होगी वो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज़ों के अंदर। और फिर इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। बेसिक से मसाले इसमें हम ऐड करेंगे, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, और इसमें मैंने धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। बस इसको थोड़ा सा भूनूंगी मैं, और जो लेफ़्ट ओवर चिकन पड़ा होगा वो मेरे पास, वो भी मैं इसके साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी जब अरवी भुन जाएगी। तो बस जी, मैंने इसके अंदर फिर थोड़ा सा इसको भूनने के बाद इसमें चिकन भी ऐड कर दिया था, और अब मैं एंड में इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। बस इसको भूनते जाएंगे और इसका जब अच्छा सा कलर आ जाएगा। अच्छा, आज मैंने अरवी को अलग से फ्राई नहीं किया, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से लेसेस की निकाल ली थी और इसी मसाले के अंदर हम इसको भूनेंगे और बिल्कुल भी लेस नहीं होगी इसके अंदर। ये देखिए, आपको बिल्कुल लेस नहीं नज़र आ रही होगी, ये देखिए। अच्छा, ये चिकन भी मैंने जो लेफ़्ट ओवर था वो इसके अंदर ऐड कर दिया था और इसको भूनना शुरू कर दिया था। ये देखिए, बिल्कुल आपको लेस जो होती है ना, जो जेली होती है, वो नहीं नज़र आ रही। वो इसलिए नहीं नज़र आ रही क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से आपने इसको वॉश करना है। तो बस जी, इसको हम इसके अंदर भूनते जाएंगे, और जब ये अच्छा सा भून जाएगा तो बस फिर इसके हम अंदर पानी ऐड कर देंगे। आप इसको शोरबे वाला बनाना चाहते हैं शोरबे वाला बना लें, वरना आप इसी स्टेज पे थोड़ा सा पानी डाल के अरवी को गलने के लिए रख दें और आप इसको मसाले वाला ही रहने दें। लेकिन मैं इसको बना रही हूँ शोरबे वाला, तो इसलिए मैंने इसको अच्छा सा भून लिया था, और अब इसके अंदर मैं भूनने के बाद पानी ऐड कर दूंगी। तकरीबन इसके अंदर मैंने 3 ग्लास पानी के ऐड किए हैं, और ये देखिए जी, मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मैं गलने के लिए, जब तक अरवी नहीं गलेगी ना तब तक हमने इसको पकने देना है, ठीक है। तो ये देखिए जी, तकरीबन 10 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको पकने के लिए रखा था, और अरवी गल गई थी। और ये देखिए जी, हमारा मज़ेदार सा अरवी चिकन
शोरबे वाला बन के रेडी हो गया। ये देखिए अरबी आपको बिल्कुल आलूओं की तरह फील हो रही होगी, क्योंकि मैंने इसको ना थोड़ा छोटा साइज़ में काटा था, गलती नहीं है ना ये जल्दी इस वजह से। तो बस जी ये देखिए बहुत ही मज़ेदार शोरबे वाला हमारा चिकन, अरबी चिकन रेडी हुआ है। और इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला, सब्ज धनिया, और ये हमारा मज़ेदार यम्मी सा शोरबा, अरबी शोरबा चिकन तैयार हो गया है। और इसे चपाती के साथ खाइए, खमीरी रोटियों के साथ खाइए, इवन कि आप चावलों के साथ भी, प्लेन राइस के साथ खाएंगे उसके साथ भी बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है। तो फिर मिलूंगी नई नई वीडियोस के साथ, नई नई रेसिपीज़ के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दें, और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। और जी एंड पे आपके लिए अच्छी दुआ, अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और आपके रिस्क में इजाफा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।